तो देखिए मेरा फ़ोन फिर से कनेक्ट हो गया है, मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और अब ये मेरी फ़ाइल को मांगेगा। हाँ दोस्तों, तो प्रैक्टिकली इस वीडियो को देखने के लिए यार एक बार लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर कर देना। तो आप देखिए कि यहाँ पर सेलेक्ट पार्टीशन फॉर डम, वीवो के मीडियाटेक के लिए तो वरदान है ये, बट वरदान महंगा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये बॉक्स को कनेक्ट हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर, देखिए चेकिंग कार्ड आ गया। अब यहाँ पर मेरा कार्ड देखो, कनेक्टिंग टू द बॉक्स ले लिया इसने। बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जैसे मैंने बोला एक नॉर्मल व्यक्ति, एक दुकान का भी इसको ऑनर भी इसको चला सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बेसिक नॉलेज सॉफ्टवेयर का उसको ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो भाई ऐसा क्या होगा कि वो बिना सॉफ्टवेयर के नॉलेज से तो वो अपने फ़ोन को भी डेड कर सकता है। तो ये आईमी रिपेयर करने के टाइम डाटाबेस की फाइलें चाहिए होती है, पर ये इनबिल्ट इसके सॉफ्टवेयर के टूल में होती है, जहाँ पे सिर्फ आपको कनेक्ट करना है और आपको आईमी रिपेयर करना है, इजीली आपकी आईमी रिपेयर हो जाएगी। बट दोस्तों, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आप किसी भी फ़ोन का आईमी रिपेयर करते समय लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखिए। अगर दोस्तों इसको परचेस करना है तो जडेस मलिक सर का नंबर दे रहा हूँ, उनको बोलिए फ़ोन करके कि सर ये सर टेलीकॉम के देवेंद्र अग्रवाल सर ने कहा है कि हमें थोड़ा सा सस्ता दे दो। तो जितना भी मार्केट में दाम है पहले पूछ लेना, फिर सर को बताना, सर उससे आपको सस्ता ही देंगे, बट आपको रेफरेंस देना होगा मेरा। और दोस्तों एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली एक फ़ोन को कनेक्ट करके पेंडोरा बॉक्स, लोगों ने इस पेंडोरा बॉक्स में सिर्फ आपको फोटो दिखाई है, लोगों ने पेंडोरा बॉक्स में सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग दिखाई है, लोगों ने पेंडोरा बॉक्स में आपको अपनी शक्ल दिखाई है, पर देवेंद्र अग्रवाल ने पेंडोरा बॉक्स में पेंडोरा को दिखाया है प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं टेक्नीशियन की नज़र से, जैसे आपको यूज़ करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और कुछ नया नया देखना है तो बताइए भाई, कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है। और एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर का, तो जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो सवाल नीचे कीजिए, किसी भी मोबाइल के रिलेटेड, EMMC, एंड्रॉयड, आईफोन, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं उसके जवाब का एक वीडियो ज़रूर लाऊँगा। थैंक यू। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक वीडियो आपके लिए फिर से एक लेके आए इसे टेलीकॉम। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बॉक्स, जी हाँ ये है पेंडोरा बॉक्स, ये हमारे मिलन सर का है, उन्होंने परचेस किया है, मैंने सर से लिया है और मैंने बोला कि एक रिव्यू वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, तो सर ने मुझे दिया है। पेंडोरा बॉक्स क्या है? अगर आप पेंडोरा बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसके एक्चुअल प्राइस कितने में बिक रहा है और उसकी वर्किंग, और मेरे पास एक फ़ोन भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं एक फ़ोन है, तो इस फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे इसका क्या काम है इसमें कर सकते हैं, नॉर्मल काम हम इसमें चेक करेंगे, और क्या लेना चाहिए, क्या वर्थ है, क्या है, सब कुछ पेंडोरा बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पेंडोरा बॉक्स के बारे में कोशिश की है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं? दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं पेंडोरा बॉक्स क्या है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, सो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पीछे अभी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अभी ZX3 टीम की वेबसाइट ओपन करके बैठा हूँ। क्यों जानना चाहते हैं? चलो हम उसके प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम ZX3 की प्रोडक्ट की बात करें तो एक आता है LG टूल, आप थोड़ा सा पास में आ जाइए, हाँ तो एक आता है LG टूल, दूसरा आता है EG JTEC प्लस जो कि सभी जानते हैं, और तीसरा आता है, अगर मैं इसके बात करूँ, सैमसंग टूल प्रो, जो कि एक वर्ड एफिशिएंट एक टूल है, विच इज़ यूज फॉर स्क्रीन लॉक एंड सिक्योरिटी वर्क, सिक्योरिटी पर्पज़ वर्क, एंड इन आल्सो वर्क फॉर लगभग, जिसको हम बोल सकते हैं 95% मोबाइल को सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छा टूल है। तो अब
जैक 3X वालों ने एक नया बॉक्स निकाला है विच कॉल पेंडोरा. सो पेंडोरा इट्स अ सॉफ्टवेयर टूल, इट्स अ सॉफ्टवेयर बॉक्स, एंड ये दोस्तों सब तरह के मॉडल्स को सपोर्ट करता है. बट बेसिकली अगर आप ये बोलेंगे तो ये मीडिया टेक बॉक्स है, ये मीडिया टेक के लिए सबसे बेस्ट है. जैसे अगर आप, मैं आपसे बोलूँ कि कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताओ, तो बहुत सारे कमेंट करेंगे CM2 जी बहुत सारे कमेंट करेंगे. सो अगर मैं आपसे पूछूँ मीडिया टेक के लिए सबसे बेस्ट बॉक्स कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करेंगे CM2. तो वैसे ही CM2 जैसा ही है ये बॉक्स, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत यूज़र फ्रेंडली डाली गई हैं. CM2 एक बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको चलाने के लिए हो सकता है ट्रेनिंग लेना पड़े, और इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है. एक नॉर्मल टेक्नीशियन या एक नॉर्मल दुकान वाला इसको यूज़ कर सकता है विद गुड स्किल, अगर उसको कंप्यूटर का अच्छा स्किल है और एक छोटा सा नॉलेजेबल उसको अगर वीडियो मिल जाए कहीं से कि कैसे चलाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. दोस्तों पेंडोरा क्या है? पेंडोरा बेसिकली लोग यूज़ करते हैं जिनका बल्कि फ़ोन आते हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि पेंडोरा उनको यूज़ करना चाहिए जिनके बारे में मीडिया टेक का काफ़ी काम है, आपको उसकी सिक्योरिटी बनाना है, उसको अनलॉक करना है. और क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट तो टूल हर एक को करते हैं. आप देखते होंगे कि टूल में बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे, बट सब फंक्शंस वर्क नहीं करते हैं, उसको समय समय पर अपडेट करते हैं, तभी उसका अपडेट भी निकाला जाता है. सो बट पेंडोरा बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके लगभग सारे ही 90% अगर मैं बात करूँ फंक्शन वर्किंग हैं, बट कुछ फंक्शन इसके अभी भी वर्किंग नहीं है, जिसको हो सकता है अपडेट के लिए अपडेट में आ जाए. तो अगर मैं इस पेंडोरा बॉक्स की बात करूँ, तो चलिए थोड़ा सा पेंडोरा बॉक्स का लुक आपको दे देते हैं. आप देख सकते हैं पेंडोरा बॉक्स काफ़ी प्रीमियम है, और जिस तरह से इसको बनाया है एक मिठाई के डिब्बे जैसा ये लग रहा है, ये देखिए. और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉडर्न एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, पावरफुल हार्डवेयर, और ये टाइप सी यहाँ पे पोर्ट, कंपैटिबिलिटी पोर्ट यूज़ किया, एक्सटर्नल पावर सप्लाई, अडेप्टर पावर. सो यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, इसको मतलब पूरे दुनिया भर के लिए बनाया गया है. आप इसको आपके अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं बात करूँ यूनिक फंक्शनैलिटी, इजी एंड इंटुएटिव यूज़र इंटरफेस, जिसको मैंने बताया काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट, और ये बता तो रहे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल एंड नॉर्मल गाइडेंस है. अब इस बॉक्स के अंदर क्या है तो इसको खोल लेते हैं. इस बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा एक सुंदर सा बॉक्स, जैसे आई रिपेयर आता है ना, अगर आपने आईफोन पे काम किया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आई रिपेयर आता है, एक आपको मिलेगा सुंदर सा बॉक्स पेंडोरा. तो ये जो बॉक्स है काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम बनाया है, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स देखने को कम मिलते हैं. और ये इसका सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, एज़ यहाँ पर टाइप सी यहाँ पर दिया हुआ है, और नॉर्मल है, और एक यहाँ पर टाइप नॉर्मल एक चार्जिंग पिन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 5-pin यूनिवर्सल आपका, और यहाँ पर टाइप सी दिया हुआ है, ठीक है. सो अगर मैं बात करेंगे, कुछ LEDs यहाँ पर दी हुई हैं. सो पेंडोरा बॉक्स के अंदर और क्या मिलेगा, तो पेंडोरा बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली केबल्स रहती हैं, तो दो केबल्स इसके अंदर आएंगी, ये देखिए. तो पेंडोरा बॉक्स के अंदर आपको दो केबल मिलने वाली है, ये देखिए. सो एक केबल जो लग जाती है बॉक्स के इस इंटरफेस के साथ यहाँ पर, ये देखिए, इस तरीके से, और एक केबल ये टाइप सी वाली इधर लग जाती है इस तरीके से, और टाइप सी टू नॉर्मल केबल है ये आप देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये केबल लगेगी कंप्यूटर के साथ, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ, और ये लगेगी आपके बेसिकली आपको अगर यूज़ करना हो फ़ोन, जिसको हम बात करें आप, ये लगेगी आपके फ़ोन में. तो बेसिकली ये लगेगी आप दोस्तों आपके फ़ोन में, जो कि अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मैं इसमें लगाऊँगा. यही एक इसका डिसएडवांटेज है. अगर पेंडोरा बॉक्स की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, मैं एडवांटेज की बात करें तो यही कहना चाहूँगा, मीडिया टेक के लिए काफ़ी अच्छा बॉक्स है. पर अगर डिसएडवांटेज की बात कहें तो दोस्तों ये बॉक्स थोड़ा हीटअप करता है ज़्यादा इसको लंबे समय तक काम करने पर. सो अगर आपको इसको काम नहीं करना है, अगर आपने उसको परचेस किया है, तो अननेसेसरी जैसे बाकी टूल आप लगाए रखते हैं दिन भर USB से, इसको USB से लगाइए मत, क्योंकि ये बॉक्स हो सकता है हीट करे.
तो ये कंपनी ने भी कहा है हाँ ये थोड़ा हीट करता है, हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट में ये हीटिंग का भी काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर में कुछ वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाए तो ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है, बट इन फ्यूचर, और या तो हो सकता है इसका वर्जन कोई निकाल दिए नया। और अगर हम बात करें दूसरा इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल होते हैं जिसको यूएसबी से शेयर किया जा सकता है, मतलब जैसे मैं कर यहाँ, जैसे मैंने बॉक्स यहाँ कनेक्ट किया और मैं अनलॉकिंग किसी और पर्सन का कर रहा हूँ, तो क्योंकि हमें है ना फ़ोन को पोर्ट हम यूएसबी शेयर कर सकते हैं, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इस पोर्ट को किसी दूसरे कंप्यूटर के पोर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें हम फ़ोन को दूसरे का जगह लगाएंगे पर कनेक्ट इस टूल के साथ होगा क्योंकि पोर्ट एक ही होगा हम इस, बट यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने फ़ोन को बेसिकली कंप्यूटर के साथ नहीं लगा रहे हैं, आप पेंडोरा के साथ लगा रहे हैं, तो आप इसलिए इसको शेयर नहीं कर सकते। तो ये Z3X टीम ने बड़ी टैलेंटेड सोच इनमें रखी है कि ये ना करें, और जिसको भी परचेस करना है वो सिंगल सिंगल इसको परचेस करें, आई होप कि इसके लिए है, या तो इसका कुछ इंटरफेस ही ऐसा होगा जिसमें इन्होंने बनाया, या जिसको बोलते हैं ना स्पेशल केबल कि आपको ये केबल यूज़ करनी पड़ेगी, बट अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी केबल यूज़ करते हैं तब ड्राइवर का थोड़ा इशू हो सकता है, तो आपको अगर इस केबल को दूसरी केबल को यूज़ करना है तो कुछ ऑप्शंस इसमें होते हैं जिसको आपको पेंडोरा बॉक्स यूज़ करके ही पता चलेगा कि कहाँ हमको क्या चीज़ डिसेबल करनी है, और जिससे हम ये केबल को यूज़ जिसके अलावा दूसरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पेंडोरा बॉक्स बेसिकली मैंने क्या बोला कि मीडियाटेक की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आप सिक्योरिटी अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं, आप MMC चेंज कर रहे हैं या फिर आप अनलॉकिंग का काम करते हैं तो ही आप इसको परचेस करें, और मुझे नहीं लगता है कि बाकी पेंडोरा का इतना कोई बहुत ज़्यादा वर्थ है, बाकी आप इसको ले सकते हैं मार्केट में, ये 17,000 से 18,500 तक आता है, बट इसका जो प्राइस है काफ़ी हाइक है। रीज़न क्या है कि बहुत सारे सेलर्स को परचेस नहीं करते हैं, और जो भी सेलर्स परचेस करते हैं और ये कम बिकने की वजह से, और सेलर्स के पास में कम रहता है, इसका डिमांड इतना ज़्यादा है नहीं है मार्केट में क्योंकि ये महंगा टूल है, तो इस सेलर्स क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा दाम में बेचते हैं, मतलब रहता ये 17,000 का है 17-18 पर इसको सेलर बेच रहे हैं 20-22,000 में, तो 3-5,000 का उनका फ़ायदा हो जाता है। तो ये भी जो परचेस किया गया था 22,000 रुपये में परचेस किया गया था, क्योंकि अभी आपको परचेस करना है क्या करें, आपको तो लेना है भाई, हमें तो काम करना है, पैसा आप कितना भी लगे, तो ये होता है, ये थोड़ा यहीं पर टूल वालों के थोड़ा सा अच्छी कमाई भी हो जाती है कि चीज़ों की जब कमी होती है तो ये टूल्स के अपने वही दाम फ्लक्चुएट कर देते हैं, कभी टूल वाले बोलते हैं ना कि भाई जिस भी टूल का मैं प्राइस आज बता रहा हो सकता है वो फ्लक्चुएट हो जाए। खैर, तो अगर मैं बात करूँ पेंडोरा बॉक्स तक, कि आपने इतना तो समझ लिया होगा, एक Z3X टीम का एक प्रोडक्ट है जिसको हम बेसिकली Z3X वालों ने बनाया है फॉर ऑल फ़ोन के लिए, बट फॉर ऑल CPUs के लिए, बट ये सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ MediaTek के लिए ही है, क्योंकि यूज़ इसका ज़्यादातर MediaTek का है। बहुत सारी चीज़ें जैसे आप IME रिपेयर करना चाहते हैं, अब IME रिपेयर करने के टाइम डाटाबेस की फाइलें चाहिए होती है, पर ये इनबिल्ट इसके सॉफ्टवेयर के टूल में होती है जहाँ पे सिर्फ आपको कनेक्ट करना है और आपको IME रिपेयर करना है, ईजिली आपकी IME रिपेयर हो जाएगी। बट दोस्तों मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आप किसी भी फ़ोन के IME रिपेयर करते समय लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखिए कस्टमर के, और लीगल ही काम कीजिए, जो उसका सही IMEI है वही IMEI को डालिए, क्योंकि ये एक लीगल चीज़ है, तो इससे थोड़ा सा बचिए अपने आप को, बचाइए अपने आप को और कस्टमर से भी। जो कस्टमर आपको अगर आपके ID अगर अपना ID या बिल ये सब नहीं देता है तो प्लीज़ उसका फ़ोन रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उस कस्टमर को बिल्कुल कह दो भाई जय हिंद जय भारत निकल जाओ, जय हिंद जय भारत फ़ौरन फुर्ती से निकल जाओ, तो उस कस्टमर को कह दो भाई जय हिंद जय भारत हवा खाओ भाई, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी भर काम करना है, कोई ये सब इलीगल काम करके कोई मतलब है नहीं, और आप लोग सब समझदार हैं, आपको सबको दुकान चलानी है, और जो भी कस्टमर अपना फ़ोन लेकर आता है तो ऑब्वियस है उसके बाद में उसका बिल होगा, उसके बाद में वो अपना ID कार्ड भी देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं इस पेंडोरा बॉक्स से थोड़ा सेटअप की। तो मैं इसको लगा, देखो आपको अगर इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको यहाँ से पीछे से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका फाइल दिया है, डाउनलोड सेल से भी ये बेसिकली आपको इसको दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड क्लिक करके आप डाउनलोड सेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल डाउनलोड हो जाएगा। सेल को डाउनलोड करने के बाद में आप पेंडोरा बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने सेल को यहाँ पे डाउनलोड किया है, मेरा ऑलरेडी सेल डाउनलोड है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वन टाइम, और तो ये मैंने चला दिया, ये ऑलरेडी बॉक्स मैंने में डाउनलोडेड है, बस मुझे कनेक्ट करना है फिर भी, पर मैं आपके लिए इसको फिर से री डाउनलोड कर रहा हूँ,
तो मैं सेल को लॉन्च करता हूँ। तो आप देखिए मेरा सेल लॉन्च हो गया है। अब मैं सपोर्टिंग फाइल में आप देखेंगे यहाँ पर, तो और मैं स्टेशन में सपोर्टिंग फाइल में मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो अभी मुझे कोई पेंडोरा बॉक्स दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि ये थोड़ा अपडेट ले रहा है, तो उसको थोड़ा लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ अपडेट लेने दो। जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो एकदम से घबराई नहीं कि आपको पेंडोरा बॉक्स का सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि प्रिपेयरिंग लेटेस्ट फर्मवेयर डेवी, तो ये यहाँ पर भी पेंडोरा भी डाल देगा। तो इसको यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा किनारे रख देता हूँ। तो देखिए इम्पोर्टेंट कैटेगरी अपडेटेड, यस कर देते हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा, देखो पेंडोरा फाइल आ गई यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड, तो आप देखेंगे पेंडोरा फाइल आ गई यहाँ पर, और आप सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे तो पेंडोरा आपको मिल गया है। तो मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको डबल टिक कीजिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर ये वाला आप सेटअप इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखेंगे मैंने अभी ये देखो पेंडोरा सेटअप 3.4 वर्जन अभी मैंने हाल ही में डाउनलोड किया हुआ है। आपको इस पेंडोरा सेटअप को वन टाइम चला देना है। देखिए मैं इसको चला देता हूँ। बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जैसे मैंने बोला एक नॉर्मल व्यक्ति एक दुकान का भी इसको ऑनर भी इसको चला सकता है। बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बेसिक नॉलेज सॉफ्टवेयर का उसको ज़रूर आना चाहिए। नहीं तो भाई ऐसा क्या होगा कि वो बिना सॉफ्टवेयर के नॉलेज से तो वो अपने फ़ोन को भी डैड कर सकता है, तो ये बिल्कुल मत करें। ट्रेनिंग लेकर ही चलाएं मैं तो ये कहूँगा। सो देखो ये लॉन्च होने, देखो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में कितना कम समय लेता है, तो इससे पता चलता है कि फाइल का ज़्यादा साइज़ नहीं है। सो पेंडोरा का आपको यहाँ पर टूल मिल जाता है। अब देखते हैं कि बिना बॉक्स के ही ओपन होता है कि नहीं होता है। सो जैसे सेल तो हो जाता है, सेल कोई बॉक्स तो है नहीं है, पर सेल एक सॉफ्टवेयर मैनेजर करके है ZX3 टीम का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने मेरे कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड करना है या सेटअप चला कोई भी प्रोडक्ट का सेटअप डाउनलोड करना है तो सेल से कर लो, वो एक मैनेजर के जैसे है। सो देखिए मैंने पेंडोरा को डबल टिक किया, खुला नहीं, क्योंकि वो चेकिंग कार्ड, वो कार्ड मांगता है जो कि आपके पेंडोरा बॉक्स में है, तो वो कार्ड इसको देना पड़ता है। तो ये बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। आप ये देखिए तो यहाँ पे चेकिंग कार्ड करके आया हुआ है, कार्ड नॉट फाउंड। तो कोई बात नहीं, ये तो होना ही है भाई। अगर 20-22 हज़ार रुपये की चीज़ ऐसी खुल जाए तो फिर 20-22 हज़ार रुपये में इसको क्यों कोई ख़रीदेगा। तो अब हम बात करते हैं पेंडोरा बॉक्स को हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं LED जल रही है आपकी। ये देखिए ये LED जलने लगी क्योंकि ये बॉक्स को कनेक्ट हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर देखिए चेकिंग कार्ड आ गया। अब यहाँ पे मेरा कार्ड देखो कनेक्टिंग टू द बॉक्स ले लिया इसने। आप देखिए तो ये मेरा पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। क्या बात है, इतना ईजी है। आप देख लो फ्री में ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ भाई। इस पेंडोरा बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये सारे आपको बहुत सारे मॉडल्स तो दोस्तों हमारे है ही नहीं, इंडिया में आते नहीं हैं। अब आप देखें ALPS और Amazon, ब्लैक व्यू, ये ब्लू बू, BQ, कूल पैड। तो बेसिकली जो हमारे मॉडल हैं वो है इन्फिनिक्स और हुआवे। ये देखो हुआवे के बहुत सारे मॉडल्स हैं इसमें, 8A Pro, हुआवे Y6, इन्फिनिक्स आप देख सकते हैं, लावा भी कुछ मॉडल नहीं है, लेनोवो के भी मॉडल्स, हाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं लेनोवो में। MediaTek तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने CPU वाइज दे दिया होगा कि अगर सपोज़ कोई मॉडल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा Motorola में भी आप देख सकते हैं वो मॉडल हैं, माई फ़ोन के अंदर कैरियर हमारे काम के नहीं है। Nokia में भी आप देखिए मॉडल्स दिए हुए हैं। Realme में है तो काफ़ी Realme और Oppo Vivo के MediaTek के लिए तो वरदान है ये, बट वरदान महंगा है थोड़ा सा, एक्सपेंसिव, पर ये वरदान काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो Realme के फ़ोन हैं C3, Realme 7 5G, ठीक है, अच्छे फ़ोन हैं, अच्छी सीरीज़ यहाँ पे दिए हैं। सो देखो Narzo 30A, Narzo 50A, ठीक है, Samsung के भी फ़ोन हैं। आप देखिए Samsung का भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और Xiaomi भी दिया होगा, Realme,
MI, दो Xiaomi भी दिया हुआ है। चलो बहुत सारे फ़ोन यहाँ पे दिए हुए हैं, Note 10, 5G, ये तो सारे Poco C3, M2, ये सब लेटेस्ट फ़ोन है, Redmi K40, तो बहुत अच्छा है, बात है अच्छा है एक। तो चलिए अब इसको हम एक काम करते हैं, एक फ़ोन हम कनेक्ट करते हैं, हमारे पास है 6A। अब देखो 6A में बहुत सारे वर्जन हैं, अब हमारा कौन सा है, तो हम कोई सा भी 6A का वर्जन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सेटअप है इसका, यहाँ पर दिया हुआ है यूज बॉक्स ऑथराइजेशन, तो इस पर ऑलरेडी टिक है, तो इसको आपको टिक ही लगे रहने देना है। EMI कॉन्फिगरेट, तो आपको इस पर भी टिक लगे रहना है, क्योंकि रीड EMI आपके EMI को डायरेक्टली रीड करेगा। कनेक्ट फोर्स प्री लोडेड टू ब्रूम, अगर ये आपका सेट आप जब इसका पोर्ट बनाते हैं और डायरेक्ट ब्रूम में नहीं जाता है, तो ये आप प्री लोडर से, आप जो प्री, अगर मान लो आपका फ़ोन प्री लोडर पोर्ट बना रहा है, तो आप उसको टिक करके प्री लोडर टू ब्रूम पे जा सकते हैं। तो और देखिएगा स्पीड की दिया है यहाँ पर, बैटरी विदाउट बैटरी, ऑटो डिटेक्ट, ये सब किया है कि आप बिना बैटरी या विद बैटरी, जैसा नॉर्मल मीटर टेक के सेटों में होता है। टाइप दिया हुआ है कौन सा टाइप में कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल रहा है, राइट फर्मवेयर, ठीक है, और रीड का, आप अपनी फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं, तो जैसे बैकअप बना सकते हैं आप अपनी फ्लैश फाइल का, और ये बैकअप से आप अपने दूसरे फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, जैसे मीडियाटेक के फ़ोनों में आपको तो पता है ना बैकअप चाहिए रहता है, सो बेसिकली ये आप कर सकते हैं। और हम बात करें फॉर्मेट, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP इरेज कर सकते हैं, IMEI के लिए तो वरदान है पर महंगा है। लॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं आप, रीलॉक कर सकते हैं। अब वैसे नेटवर्क के फ़ोन इतने आते नहीं है मार्केट में, पर अगर आप नेपाल साइड बॉर्डर साइड हैं और आपको नेटवर्क के फ़ोन आ रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। रीड कोड कर सकते हैं, रीसेट MI अकाउंट, बार बार MI अकाउंट लगने पर, मतलब रीसेट MI अकाउंट है तो वो भी रीसेट कर सकते हैं। और सर्विस RPMP जो दिया हुआ है, रीसेट DM वेरीफाई एरर, ये एरर्स होते हैं दोस्तों, ये समय समय पर कुछ कुछ मोबाइल्स में आते हैं, जिसको आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट या डिसेबल ऑरेंज स्टेज, ये भी आपके कुछ एरर्स होते हैं, तो ये अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसको तो आपको ज्वाइन करके ही नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये अभी है ना YouTube में कहीं नहीं है, तो क्यों मैं इसको भी मतलब मैं YouTube में खर्च करूँ। बाकी चलो कोई बात नहीं, इतना सब कुछ तो बता दिया यार, अब क्या चाहिए। स्कैटर फाइल यहाँ से ले सकते हैं, आउट फाइल यहाँ से ले सकते हैं, सो देखा जाए तो कम्प्लीटली है MediaTek जैसा ही सेटअप है पूरा। तो आइए इस फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि भाई मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन को दबा के इस फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके हम इसकी फर्मवेयर को रीड करते हैं, पर रीड फ्लैश इन्फो हम लेते हैं। तो वेटिंग फॉर डिवाइस, तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है मेरा फ़ोन, और आप देख सकते हैं कि मैंने वॉल्यूम अप डाउन इसको प्रेस किया हुआ है, और यहाँ पर मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर मेरे को पूरा डिवाइस की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, और मैं अपने फाइल को भी रीड कर सकता हूँ। तो एक बार चलिए फाइल को भी रीड करते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे रीड पार्टीशन पे टिक, और मैं अभी मैं इसका सहारा ले रहा हूँ थोड़ा, तो हो सकता है आपको फ़ोन दिखाई ना दे, पर कोई बात नहीं। तो देखिए मेरा फ़ोन फिर से कनेक्ट हो गया है, मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है, और अब ये मेरी फाइल को मांगेगा। हाँ दोस्तों, तो प्रैक्टिकली इस वीडियो को देखने के लिए एक बार लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर कर देना,
तो आप देखिए कि यहाँ पर सेलेक्ट पार्टीशन फॉर डंप, आप इसका डंप रीड कर सकते हैं। सारी फाइलें आपको यहाँ पर आ रही हैं, ये देखिए जिसको सेलेक्ट करना है उसको आप रीड कर सकते हैं। तो ये आपको रीड हो जाएगी इजीली। जैसे मुझे कोई फाइल नहीं, सिर्फ प्रीलोडर रीड करना है, तो मैं इसको ओके करूँगा। तो देखिए मेरी फाइल रीड कर देगा, ये देखिए डन कर दिया इसने मेरी फाइल को रीड यहाँ पर, और जो मेरी बैकअप डायरेक्टरी है वो ये है। सो यहाँ पर मेरी प्रीलोडर यहाँ पर रीड हो गई है। तो वैसे ही सिंपल जैसे मैंने बताया कि अपन कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल टूल में कर सकते हैं, बट ये इमीडिएट के लिए काफ़ी एक वरदान है। तो वरदान को ख़रीदना है तो ख़रीद लो, पर पैसा लगाना पड़ेगा बहुत सारा, 20-22 हज़ार रुपये। अगर दोस्तों इसको परचेस करना है तो जडेस मलिक सर का नंबर दे रहा हूँ, उनको बोलिए फ़ोन करके कि सर एसर टेलीकॉम के देवेंद्र अग्रवाल सर ने कहा है कि हमें थोड़ा सा सस्ता दे दो। तो जितना भी मार्केट में दाम है पहले पूछ लेना, फिर सर को बताना, सर उससे आपको सस्ता ही देंगे, बट आपको रेफरेंस देना होगा मेरा। और दोस्तों एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली एक फ़ोन को कनेक्ट करके पेंडोरा बॉक्स को, लोगों ने इस पेंडोरा बॉक्स में सिर्फ आपको फोटो दिखाई है, लोगों ने पेंडोरा बॉक्स में सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग दिखाई है, लोगों ने पेंडोरा बॉक्स में आपको अपनी शक्ल दिखाई है, पर देवेंद्र अग्रवाल ने पेंडोरा बॉक्स में पेंडोरा को दिखाया है प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं टेक्नीशियन की नज़र से, जैसे आपको यूज़ करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और कुछ नया नया देखना है तो बताइए भाई, कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है। और एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला क्वेश्चन आंसर का, तो जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो सवाल नीचे कीजिए, किसी भी मोबाइल के रिलेटेड, EMMC, एंड्रॉयड, आईफोन, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं उसके जवाब का एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू।